दस्तखत है आपका वापस रिपब्लिक भारत पर, ये लगातार जारी है ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ये रिपोर्टाज। और इस समय आप देख रहे हैं ये कल्चरल कार्यक्रम चल रहा है एनआरजी स्टेडियम के बाहर, एनआरजी स्टेडियम के बाहर ये कार्यक्रम चल रहा है इस समय। और जैसा कि मैंने आपको बताया, लोगों में बहुत उत्साह, लोगों में बहुत जोश है प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, दोनों को एक साथ देखने के लिए। ये हरे कृष्णा के चैंट्स, ये हरे कृष्णा हरे रामा के श्लोक कह लीजिए या पूजा कह लीजिए हो रही है इस समय ह्यूस्टन टेक्सास में एनआरजी स्टेडियम के बाहर। ये माहौल है इस समय, 48,000 आदमी, 48,000 हिंदुस्तानी साउथ एशियन अंदर मौजूद है। जी हाँ, 48,000 पीपल हैव बीन गिवन एंट्री इनटू दिस मैसिव मैसिव टेक्सन एनआरजी स्टेडियम एज वी स्पीक। और ये आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, हरे कृष्णा के श्लोक, हरे कृष्णा के यहाँ ये नारे लग रहे हैं, ये पूजा चल रही है बाहर, बिल्कुल एनआरजी स्टेडियम के वेस्ट क्लब गेट के बाहर। तो माहौल बहुत ही स्टैटिक है, खुशनुमा है, लोगों को ऐसा लगता है मानो जैसे त्योहार है, प्रधानमंत्री मोदी और सोने पे सुहागा डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। तो बिल्कुल लोग खुश हैं, लोग एक्साइटेड हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी आज जब आएंगे तो क्या बोलेंगे, क्या वो प्रेजेंट करेंगे, क्या वो गिफ्ट देंगे। जी हाँ, ये सबने बोला कि भाई ह्यूस्टन वालों को क्या गिफ्ट देंगे प्रधानमंत्री मोदी। और ये इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री चाहे न्यूयॉर्क गए थे, प्रधानमंत्री चाहे मेडिसिन गए थे, चाहे एलए गए थे, हर बार उन्होंने वहां पे रहने वाले हिंदुस्तानी, वहां पे रहने वाले भारतीय डायस्पोरा के लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हमेशा किए। तो देखते हैं इस बार जब आज प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों होंगे मौजूद इस भव्यकाय स्टेडियम में, एनआरजी स्टेडियम टेक्सास में, तो क्या अनाउंसमेंट होगी, क्या अनाउंस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और क्या अनाउंस करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। हम इस समय मौजूद हैं एनआरजी स्टेडियम के ठीक बाहर और आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। 48,000 आदमी इस समय एनआरजी स्टेडियम